जाके बच्चे अवेलेबल होंगे। आप कितनी एज का बच्चा करके स्कारलेट का हमें देंगे, दोस्तों को कितनी एज का बच्चा करके देंगे? जिस तरह भी अगर कोई बंदा चाहे 2 महीने का चाहिए 2 महीने का भी मिल जाएगा, अगर 3 महीने पे चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर वो कहता है सेल्फ चाहिए तो सेल्फ भी मिल जाएगा। लेने के बाद कोई रखने में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको केयर टेकिंग का ना पता चल रहा हो, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको बंदे को गाइड कर सके? देखे, मेरे जितने भी कस्टमर है वो मेरे परमानेंट है, उसकी वजह ये है कि सेल के बाद अगर उसे किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए होती है और किसी भी टाइम चाहिए होती है मेरे से 100% मिलती है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN Entertainment। वंस अगेन आपका भाई आपको ले आया Amazon के जंगलों में जुबैर भाई के पास, और आज आपको एक से बढ़ के एक म्यूटेशन एक तो देखने को मिलेगी, दूसरा आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप लोग रख के ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। आज आपके मकाओ के बच्चे कहाँ से मिलेंगे आपको होलसेल पे, ग्रे पैरेट के बच्चे कहाँ से मिलेंगे होलसेल पे, एक एक चीज की डिटेल दी जाएगी और खुद किस तरह से ब्रीड करवा के इनसे मुनाफा ले सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। जुबैर भाई क्या क्या लगाया हुआ है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? ये इस तरफ ऊपर सारे मकाओ के केजेस हैं। ये कौन सा मकाओ लगा हुआ है? स्कारलेट मकाओ है जी। जुबैर भाई स्कारलेट मकाओ कहाँ पे पाया जाता है, किस कंट्री से है ये? साउथ अमेरिका, बोलिविया, बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री सब में पाया जाता है। आपके पास कितने ब्रीडर पेयर हैं माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वांटिटी में बर्ड है। इसके बच्चे इस सीजन में क्या मिल सकते हैं स्कारलेट के आपसे? इंशाल्लाह ताला जनवरी फरवरी में बड़ी उम्मीद है कि बच्चे अवेलेबल होंगे। आप कितनी एज का बच्चा करके स्कारलेट का हमें देंगे, दोस्तों को कितनी एज का बच्चा करके देंगे? जिस तरह भी अगर कोई बंदा चाहे 2 महीने का चाहिए 2 महीने का भी मिल जाएगा, अगर 3 महीने पे चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर वो कहता है सेल्फ चाहिए तो सेल्फ भी मिल जाएगा। लेने के बाद कोई रखने में प्रॉब्लम आ रही हो, उसको केयर टेकिंग का ना पता चल रहा हो, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको बंदे को गाइड कर सके? देखे, मेरे जितने भी कस्टमर है वो मेरे परमानेंट है, उसकी वजह ये है कि सेल के बाद अगर उसे किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए होती है और किसी भी टाइम चाहिए होती है मेरे से 100% मिलती है। अच्छा, हमारा स्कारलेट जो हम लोग आपसे पेड़ लेते हैं बच्चे का, ये कितने टाइम पर जाके ब्रीड करेगा? 3 साल में अडल्ट हो जाता है, तीन और चार साल में ब्रीड स्टार्ट कर देता है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट जो उसकी न्यूट्रिशनल है वो पूरी हो तो। बिगनर्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि भाई आप ये लगाएं, इसकी ब्रीड आप आसानी से करवा सकते हैं? मतलब तोतों की ब्रीड करवा रहा है, मकाओ की नहीं कराई अभी तक। ब्लू एंड गोल्ड सबसे इजी है, हम देख सकते हैं। हाँ जी, आगे लगे हुए, आगे चलते हैं, ब्लू एंड गोल्ड देखते हैं, उसके बाद साथ साथ ब्लू एंड गोल्ड का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से साथ जुड़ के बैठा हुआ है। ये 3 साल में अडल्ट हो जाता है, मेरे पास तो 18 महीने पे भी ब्रीड आई है, 22 महीने के मेल से भी आई है, लेकिन जो बाई बुक्स है ये 3 साल में अडल्ट हो जाता है, और ये इजी ब्रीडर है, और जिसने भी ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है उसे चाहिए कि मकाओ के ब्लू एंड गोल्ड के कैप्टिव पेयर से स्टार्ट करे। अच्छा जुबैर भाई, ब्लू एंड गोल्ड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास लगा हुआ है, यहाँ 25 से 30 तो एवरी के अंदर नजर आ रहे हैं, ये केजीज भी सारे भरे हुए हैं, तो कितने पेयर से आपने ब्लू एंड गोल्ड की सारी ब्रीड इकट्ठी की है जो हमें नजर आ रही है? मेरे पास 8 से 10 वाइल्ड पेयर थे, उनसे फिर ऐसा मैंने अपनी ब्रीड रोक के इन सबको जमा किया। आगे पास टोटल 10 पेयर थे? 10 भी नहीं होंगे, 7 या 8 होंगे। 8 होंगे, उसमें वाइल्ड लोगों को भी दिया। हाँ, वाइल्ड जो होता है वो इजिली ब्रीड नहीं करता, वो टाइम लेता है, और हमें नहीं पता होता कि वो क्या डाइट लेके आ रहा है, उसने उसको क्या डाइट दी गई है, कितने स्ट्रेस में रहा है, तो फिर मैंने सर अपना फ्लॉक सारा बड़ा किया बच्चों का, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 80% जो ब्रीड कर रहे हैं वो मेरे अपने फार्म के। और अभी जो आपके पास ब्रीड है वो इतनी ज्यादा आपके साथ अटैच हो चुकी है कि आपके कंधों पे आगे बैठ रही है, आपके साथ खेल रहे हैं, और जो लोग आए हैं उनसे भी डर नहीं रहे, तो ब्रीडिंग में आसानी होगी। और दूसरा ये कि जो यहाँ पर भी हमें बर्ड्स नजर आ रहे हैं ये डर बिल्कुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल इजी बैठे हुए हैं, तो इनकी भी ब्रीडिंग आसान होगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है जुबैर भाई कि हम लोग अगर आपके पास आए हैं, पहले यहाँ पर मार्केट से लोग आके बच्चा लेके जाते थे, फिर बच्चा काफी दिन उनके पास पड़ा था, कुछ डाइट ऊपर नीचे होती थी, अब यहाँ पे डायरेक्ट आपसे लोग बच्चा लेके जा सकते हैं, तो हम आपसे अगर बच्चा लेते हैं कि हम लोगों को थोड़ा मुनासिब रेट मिलेगा या उससे ज्यादा मार्केट से हैवी रेट मिलेगा, उसका क्या सीन होगा? सर देखिए, मैंने ना ओवर प्राइसिंग कभी की नहीं है, मैं अमूमन जो लोग मेरे से घर से आके लेते हैं उनको भी वही प्राइस मिल रही होती है जो मैं किसी ट्रेडर को ऑफर कर रहा होता हूँ या किसी शॉपकीपर को, और मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मेरी बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है कि जिस जो एंड कंज्यूमर है वो आके ले, उससे उसको एडवांटेज ये मिलेगा कि उसको सर्विसेज भी साथ मिलेंगे। बर्ड मैं अच्छी तरह से चेक करा के सिर्फ हेल्दी बर्ड डिलीवर करता हूँ, उसके बाद बर्ड की जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन हर तरह की जो उसे इश्यूज आते हैं, जो कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसके लिए उसे पूरी सपोर्ट देता हूँ। फिर मतलब कि हम लोगों को होलसेल पे आपसे बर्ड मिलेंगे सेम प्राइस पे, मतलब जो हमने 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा बाहर बर्ड को एक्स्ट्रा पे करना है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जिस पे मैं प्राइस उसको दे रहा हूँ उसने जो प्राइस इंक्रीज करके आपको देना मेरे से डायरेक्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होगी जिसे कराची से लेना है बर्ड, वो कराची से यहाँ पे बंदा है लेके वापस जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो सारा निकल के आपको फिर उसकी खुद की कमीशन
10 से 15 हजार 20 हजार रुपया बंदे को खुद बचेगा। इस साल भी 50+ मुकाबलन गोल्ड के बच्चे मैंने कराची दिए ट्रेडर को, और लाजिम बात है कि वो अगर यहाँ पे आए हैं और अपना फ्यूल खर्च किया, होटलिंग की या फिर वापस गए हैं, तो वो भी सारा इस बर्ड पे ही ऐड और खर्चा भी अलग निकाल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये दो म्यूटेशंस के बाद तीसरी म्यूटेशन कौन सी है? ये ग्रीन विंग मकाओ का पेयर है, आगे भी लगे हुए हैं, थोड़ा आगे से दिखाते हैं, थोड़ा दूर बैठा हुआ हमें क्लियर नजर आएगा। ये ग्रीन विंग मकाओ है और ये दोनों कलर। ओके, ये ग्रीन विंग है और ये सारे जो मकाओ हैं एक ही कंट्री में होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हैं? ये ऑलमोस्ट सेम कंट्रीज ही हैं इनके, ब्राजील है, कोस्टा रिका है, साउथ अमेरिकन सारे हैं, तो उसमें तमाम स्पीशीज पाई जाती हैं। ब्लू एंड गोल्ड जरा क्वांटिटी में ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे भी ज्यादा अवेलेबल होता है। मैं अगर कमाई करना चाहता हूँ मकाओ के अंदर, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कम से कम कितने पेड़ लगाने चाहिए कि मैं सालाना कुछ अच्छा इनकम कमा लूँ इसमें से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जॉटिक बर्ड है जैसे मकाओ है, इनमें आपको पेशेंस चाहिए। ये ऐसा नहीं है लवबर्ड की तरह आपने आज लगाया तो 6-7 महीने बाद ब्रीड कर रहा है। ये आप आज लगाएंगे, मिनिमम अपने जेहन में रखेंगे कि इन्होंने 5 से 10 साल लेने हैं। 5 साल से अक्सर बर्ड जो हैं वो आपके ब्रीड पे आ जाते हैं। अमूमन कुछ एक दो बर्ड 3 साल पे भी आ सकते हैं, कुछ 4 साल। इनकी ब्रीड कंफर्म नहीं है, जैसे लव बर्ड, इवन आप अलेक्जेंड्रीन रा लगाते हैं तो आपको पता है ये 2.5-3 साल में अडल्ट होगा और उसका कन्फर्म ब्रीड है। इनकी कन्फर्म ब्रीड नहीं होती, फिर ये ब्रीडर पेयर जो है वो भी साल स्किप करते हैं। अगर एक पेयर इस साल ब्रीड की है तो आपको उसकी श्योरिटी नहीं है कि ये अगले साल भी ब्रीड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें थोड़ा सा सब्र के साथ चलना पड़ता है। लेकिन ये परमानेंट एक बिजनेस है। मुझे कोई 15 ईयर्स हो गए हैं वैसे बर्ड हॉबी में, 26 ईयर हो गए हैं, आज तक मकाओ का रेट आज तक कम नहीं हुआ, ये इंक्रीज ही हो रहा है। जो मैंने पहला पेयर लिया था वो मैंने कोई 1.5 लाख का लिया था, इस सब ब्लू एंड गोल्ड का भी अच्छा पेयर को 7.5 लाख के करीब है। तो ये एग्जॉटिक में प्राइसेस कभी भी नीचे नहीं गिरते, ये ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही नहीं आ सकते क्योंकि ब्रीड कम है, ब्रीड कम है, अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी, और लोग करवाते भी नहीं ब्रीड ज्यादा। इसकी इंपोर्ट भी कोई आसान काम नहीं है और इसकी इंटरनेशनल वैल्यू है, आपको ये सस्ता बर्ड कहीं से भी नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर हम लोग आपसे ब्रीडर लेते हैं, क्या आप ब्रीडर प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ब्रीडर पेयर मैं बिल्कुल भी नहीं करता, और मार्केट में भी जो ब्रीडर पेयर करके कोट किए जाते हैं 90% वो झूठी होता है। हम कैसे ले सकते हैं किसी से बेयर वगैरह जो कि हम ब्रीड करवाना चाहें और 2-3 साल का पेशेंस रख सकें? 5-10 साल तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, बर्ड आप उसको, उसकी फीदर क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, फीदर में शाइन होनी चाहिए, बर्ड हेल्दी होना चाहिए, यानी कि उसकी जो कील बोन, ये जो सीने की हड्डी होती है, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये वीक ना हो। तो अगर हेल्दी बर्ड आपको नज़र आएगा, उसके फीदर में शार्पनेस होगी, ब्राइटनेस होगी, तो बर्ड अमूमन ब्रीड कर जाते हैं। कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अक्सर बंदा क्वालिटी में क्वालिटी के वक्त कोई फीदर खराब है या रफ है तो आप परचेज कर लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए वो ब्रीड में भी आपको ट्रबल देते हैं। जुबैर भाई, इस साइज से बहुत सारे बर्ड लगे हुए हैं जो कि ओपन एवरी में आपको फिर रहे हैं, क्या उनमें से कुछ मिल सकता है जो पट्टे पुट्ठे हैं 2-2 साल के? ये मैंने खुद अपने लिए बर्ड बड़े किए हैं, फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं कैप्टिव बर्ड भी ना खरीदूँ, क्योंकि इसकी एक सर्टन डाइट है जिस डाइट पे मैंने इसे बड़ा करना है, इसीलिए मेरे पास बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ब्रीड कर जाता है कि मैं बचपन से ही उनको अच्छी डाइट पे बड़ा करता हूँ और वो मुझे एडवांटेज मिलता है आके ब्रीड में। तो ऐसा नहीं है, हाँ, ये एक परमानेंट बिजनेस है जिसमें आपको एक दफ़ा टाइम लगा के इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर फॉर लाइफ आप इससे अर्न कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आपने अपने बच्चों को अपने फार्म की ब्रीड को होल्ड करके ब्रीडिंग की तरफ लाना होता है। जुबैर भाई, बहुत मज़ा आया इन्फॉर्मेशन का भी और आपसे मिलने का भी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक या कॉमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।